हाय फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सबको पता है कि आजकल ये कोरोना वायरस पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बहुत सारे लोग, पूरे विश्व के देशों के लोग मारे जा रहे हैं इसकी वजह से। दोस्तों, ये एक ऐसा वायरस है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। बस जानकारी और बचाव से ही हम इससे दूर रह सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस क्या है, इसे ये कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी आज हर व्यक्ति को है तकरीबन। क्योंकि मोबाइल फोन्स के जरिए, आपके टीवी के जरिए सरकार या सरकारी तंत्र इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर भी दोस्तों, उसके बावजूद भी मुझे एक बात की बहुत बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पर लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। आप रोज टीवी देखते हैं, चाइना में, इटली में और दूसरे देशों में कितनी सारी मौतें हो रही हैं इसकी वजह से, कैसे ये फैल रहा है पूरे विश्व में। आप उन लोगों के वीडियोस भी देखते हैं जिन लोगों पर ये बीती है, जिनके परिवारों के साथ ये हुआ है। आप रोज देखते हैं कि कई देशों में तो कब्रिस्तान कम पड़ रहे हैं लाशों को दफनाने के लिए या लाशों को जलाने के लिए। उसके बावजूद जो है, हम लोग या हमारे यहाँ के लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। वो उनका पता नहीं क्या मानना है कि यहाँ ये बीमारी फैल नहीं सकती, या उनको ऐसा कुछ लगता है। लेकिन ये एक वायरस है दोस्तों, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल कर कहीं भी पहुंच सकता है। गाइज, आप सभी जानते हैं, रोज सरकारी तंत्र द्वारा वीडियोस के जरिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको इस वायरस के बारे में जानकारी मिलती रहती है कि इससे कैसे बचाव करना है, कैसे दूर रहना है। तो फिर भी मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ। ये जो वायरस है, ये हवा में नहीं फैलता, ये एक संक्रमित इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। मेटल के जरिए भी फैल सकता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी मेटल को छूता है तो ये वायरस उसके जरिए भी बाहर फैल सकता है। मेटल में जो है, इसका टाइम पीरियड 12 घंटे का होता है। 12 घंटे की तक ये मेटल में ज़िंदा रहता है, किसी मेटल में। उसके अलावा कपड़ों में 9 घंटे और हाथ में ये 10 मिनट के लिए ज़िंदा रहता है। तभी आपको सरकारी तंत्र ये हर बार तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि आप जब भी घर से बाहर आए, अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें साबुन से, ताकि ये जो वायरस अगर गलती से कहीं आपके हाथों में है तो वहाँ से ये खत्म हो जाए। उसके अलावा क्या होता है कि इसके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं, वो खांसी, जुकाम, गले में दर्द। उसके अलावा जब ये बढ़ता है तो दस्त, उल्टी वगैरह आपके शुरू हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाएं, आप उन निर्देशों को माने। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट या आपका प्रशासन बेवकूफ़ नहीं है, जिन्होंने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आपके एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, सारे बंद कर दिए, पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। कुछ ना कुछ वजह तो होगी उसके पीछे। आप उसका मजाक ना उड़ाएं, सीरियसली लें उसको, अपने घरों में रहें। कुछ दिन अगर आपकी ज़िंदगी थम भी जाती है, रुक भी जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। गाइज, आप खुद सोचिए, इटली जैसे देश जिसकी आबादी महज कुछ करोड़ों में है और जहाँ की जो है मेडिकल फैसिलिटी नंबर 2 पर है, वहाँ भी ये बीमारी इतनी बुरी तरह से फैली है, इतना असर छोड़ गई है पूरे देश पे। तो सोचिए, हमारे हिंदुस्तान देश में जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी डेवलप नहीं है अभी, उसके अलावा यहाँ की जनसंख्या अरब को पार कर चुकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर यहाँ ये बीमारी फैल जाती है तो कितना भारी जो है नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अपने आप को इस संक्रमण से बचाएं, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को दूर रखें। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना, सब कुछ सरकारी तंत्रों पर ही थोप दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या क्या है कि निर्देश मिले हैं कि पंचायत के प्रधान, वाइस प्रधान या मेंबर लोग जो है सारी चीज़ों की जानकारी दें कि कोई नया आया है, किसी को कोई संक्रमित व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन यहाँ क्या है कि सब कुछ थोप देते हैं कि हाँ जी, वाइस प्रधान कर लेगा, मेंबर कर लेगा या कोई दूसरा अधिकारी कर लेगा। पर मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भैया, अगर आपको भी पता लगता है पर्सनली कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आता है, तो आप भी तो वो जानकारी पहुँचा सकते हैं, आपका भी तो फर्ज है। ये संक्रमण जो है प्रधान, वाइस प्रधान या किसी सरकारी अधिकारी के घर में नहीं होगा। जिस दिन आपके परिवार और आप इसके चपेटे में आएंगे, तो आप तक भी फैल जाएगा। तो दोस्तों, हम सभी की जिम्मेवारी है, इसलिए हम सभी को साथ मिलकर इस बीमारी को लड़ना होगा। यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है, यहाँ कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति का फर्ज है।
दोस्तों अभी टाइम है, वक्त है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। सरकारी तंत्र को कोसना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, ये सब चीज़ें को भूलकर अभी हम लोगों को मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा। दोस्तों ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है किसी गरीब अमीर को छांटेगी, किसी राजनेता या वोटर को छांटेगी। तो ये तो संक्रमण है, किसी के साथ भी, किसी के घर में भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों सोच कर देखिए, ये सब कुछ होता क्यों है, ये इतनी भयंकर बीमारियां, ये वायरस कहाँ से पैदा होते हैं और कैसे फैलते हैं। ये हम लोग आगे बढ़ने की होड़ में इतने अंधे हो चुके हैं, अपने स्वार्थ में हम प्रकृति से रोज खिलवाड़ करते हैं। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी हर चीज प्रकृति के खिलाफ होती जा रही है। हर देशों में रोज जो है कई तरह के परीक्षण होते हैं, रासायनिक हथियार बनते हैं, जिनके कारण ये सब कुछ ये पैदा होता है और ये पूरे विश्व को ऐसी भयंकर बीमारियों या वायरस से जूझना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद एक बात तो आज हम सबकी समझ में आ ही गई है कि प्रकृति से जीतना इंसान के लिए कभी संभव नहीं है। हम अपनी साइंस टेक्नोलॉजी को कितना भी डेवलप कर लें, लेकिन प्रकृति से कभी नहीं जीत सकते। उसकी नज़रों में हमारी हैसियत बस एक कीड़े मकोड़े जितनी ही है। तो दोस्तों आज वक्त आ गया है, अगर हम अभी भी नहीं संभले, अभी भी नहीं सुधरे, तो इस दुनिया से एक दिन इंसान और इंसानियत दोनों ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों ये रासायनिक हथियार, ये फैक्ट्रियां, ये पॉल्यूशन, ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? अगर इंसान ही नहीं रहा तो इस साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, क्या करना इस चीज़ का? तो इसलिए हमें सुधरना होगा, संभलना होगा, हमें प्रकृति के नियमों को मानना होगा, उसके उल्लंघन से बचना होगा, वरना हमारा अंत निश्चित है। दोस्तों आज वक्त आ गया है, आज हम सबको साथ मिलकर खड़े होना होगा, अपने देश के लिए अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाना होगा। हमें खुद जागरूक होना होगा, लोगों को भी जागरूक करना होगा, ताकि हम इस भयंकर बीमारी से, इस वायरस से अपने देश को बचा सकें। दोस्तों आज एक बार फिर से इतिहास को दोहराया गया है। एक युग पहले देवताओं और राक्षसों ने अमृत पाने की चाह में समुद्र मंथन किया था और वहां से एक भयंकर विष निकला था। उस वक्त तो उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण करके इस धरती को बचा लिया था, परंतु आज भी हमें सबको मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि वो हमें इतनी शक्ति और बुद्धि दे कि हम इस भयंकर वायरस पर कंट्रोल पा सके, अपनी भूमि को, अपने देश को और इस विश्व को बचा सके। तो दोस्तों मेरे प्रयास से अगर कुछ लोगों के मन में भी ये थोड़ी जागृति होती है तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। जय हिंद दोस्तों।